इस साइड पे है हमारा गांव, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि काफी सहूलियत भी होती थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मजे कर रहे होंगे। दीपावली की और करवा चौथ की आप लोगों की तैयारियां कितनी हो गई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी भी लगभग करवा चौथ की तैयारियां हो ही गई हैं और दीपावली का तो पूछिए ही मत, बहुत काम बाकी है क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी ना, तो इस वजह से हमने जो काम स्टार्ट किया था वो अभी बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। तो बस हमारा काम भी चल ही रहा है, आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है तो बस आज ही आए हैं भैया लोग काम करने के लिए। और ये जो दरी है ना, ये जब बारिश आई थी तो तब हम लोगों ने इसको बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया था छत पे ऐसे ही, तो आज मौसम सही है तो बस इसमें थोड़ा सा सर्फ लगा के और ब्रश से इसको रगड़ के चमका दिया है। और इतना ज़्यादा पानी लगता है ना इसकी सफाई करने के लिए और इसको उठाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा हैवी है ये, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको पलटा मैंने। फिर उसके बाद दोनों साइड से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था और थोड़ा सा वीडियो बनाने में मम्मी मेरी हेल्प करने में लगे हुए थे। तो बस इसमें इसको साफ़ वाफ करके अभी मैं दिखाती हूँ कि बाकी क्या क्या काम चल रहे हैं आज हमारे घर पर। तो अंदर का काम करने वाले भैया तो आज आए नहीं हैं तो बाहर का ही काम निपटने वाला है आज हमारा। तो देखिए सुबह से भैया लोग लगे हुए हैं, लगभग 8:30 बजे आ गए थे तो उस समय से भैया लोगों ने इतना काम निपटा लिया है अपना, बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो ये देखिए फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा सा आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे क्योंकि ये चीज़ें मतलब इतनी अच्छी लगती नहीं है ना जो हम लोग बाद में इस तरीके की ऐड करते हैं अपने घर पे, तो ठीक ठाक लग रहा था, इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। बस अब हम इसमें पेंट वगैरह करके इसमें थोड़ा सा फ्लावर पॉट लगाएंगे। गुड मॉर्निंग, तो मैं ना कल के ही ब्लॉग को आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल ज़्यादा कोई खास काम हुआ नहीं, बस बाहर का जो काम था ना वो अच्छे से निपट गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो ये चीज़ें फिर ऐड होती है ना घर में वो कभी ऑड होल लगने लग जाती हैं, तो कुल मिला के वो सही लग रहा था। उसमें कलर वलर करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे बाद में। बाकी आज के मौसम की बात करें ना तो आज का मौसम एकदम मस्त वाला हुआ है। देखिए कहीं पर भी बादल नहीं है, अभी तो सारे बादल हट गए हैं, तो नीला आसमान और हरे हरे पेड़, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है बारिश के बाद का ये मौसम। और इस साइड पे है हमारा गांव, तो बादल यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं और कभी कभी क्या होता है ना कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है उस साइड पे और यहाँ छींटे भी नहीं पड़ रहे होते हैं बारिश के। तो गाइस मौसम तो आज का बहुत ज़्यादा अच्छा हो ही रहा है और बस यहाँ मेरे बैक साइड पे ही दिख रहे हैं बादल। और ये जो एरिया है वो हमारे गाँव साइड को पड़ता है यानी कि दानपुर साइड, और इनका ऑफिस भी इसी साइड को रहता है। यहाँ पर क्या रहता है ना कि बस बादल लगे नहीं कि बरसना शुरू हो जाते, तो थोड़ा सा मौसम बना नहीं कि यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हो जाती है, मतलब इतनी ख़तरनाक बारिश हो जाती है ना, पहाड़ नीचे गिरने लग जाते हैं, बादल फटने का डर लग जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है जब भी होती है, तो यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो फिर अलर्ट कर देते हैं। और इनका ऑफिस भी इसी साइड को पड़ता है कपकोट में, तो इनका जो ऑफिस है वो भी दुर्गम क्षेत्र में ही आता है और जहाँ पे हम लोग रहते हैं बागेश्वर में, तो ये जो एरिया है वो सुगम्मा आता है। तो यहाँ पर क्या रहता है ना, बारिश की बूंदें भी नहीं गिर रही होती है जब वहाँ बादल फट रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इतने में ही। तो गैस बस मौसम ने आज साथ दे ही रखा है, देखते हैं कितना काम हो पाता है आज के दिन में। तो यहाँ पे जो खिड़की थी ना वो बंद हो गई है, बस अभी अभी काम किया है भैया ने इसका, और अभी इसके ऊपर वाली जो खिड़की है ना ये वाली, अभी इसको भी बंद कर रहे हैं। तो हम ये वाली जो खिड़की है इसको निकाल नहीं रहे क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो जा रहा है घर में, तो इसको हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। दूसरे कमरे से दिखाती हूँ मैं आपको, वहाँ पे शायद भैया ने ये वाली खिड़की भी बंद कर दी, तो हम चलते हैं दूसरे वाले कमरे में। ये तो डाइनिंग वाला कमरा है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये वाली जो दीवार है वो अब बंद हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं थोड़ा इस रूम को अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए अभी रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, देखो अभी टाइल भी नहीं लगे हैं और ये वाली जो खिड़की है ना
ये बंद कर दिए। पहले हमारा यहाँ से बातें करने के लिए अच्छा होता था, जब हमें यहाँ से मतलब मैं किचन में होती थी और ये रूम पे होते थे, या जब धैर्य छोटा था ना तो हम लोग किचन से ही उसकी आवाज़ सुन लेते थे कि वो रो रहा है या सोया ही है करके। तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी सहूलियत भी होती थी, तो लेकिन ये बहुत ऑड लगता था ना, इसकी वजह से मतलब कमरे का पूरा शो ख़राब हो रखा था, तो इसीलिए इसको बंद करवाना ही था। क्योंकि कमरे में फिर इस तरीके की खिड़कियाँ ना अच्छी नहीं लगती, तो बहुत टाइम से सोच रहे थे ये सब करवाने की, तो फाइनली आज बंद हो गई है। तो बारिश की वजह से एक आध दिन तक काम बंद रहा है, फाइनली आज मौसम सही हुआ है और आज ही काम स्टार्ट हो गया। तो काम कल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन टाइल वाले भैया ना कल आए नहीं थे, तो कल उन्हें टाइम हुआ नहीं, तो आज आए हैं वो। तो और अभी हो गया है टाइम 2:30 का, तो धैर्य भी खाना वाना खा के सो गया है और हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। तो दिखाती हूँ मैं आपको भैया ने आज कितना काम कर लिया है अभी तक। तो ये देखिए, तो 2 बजे तक भैया का इतना काम हो चुका है, इन दोनों खिड़कियों में प्लास्तर कर दिया है भैया ने, तो नीचे जो भी गंदगी हो रखी थी बजरी वगैरह वो सब कुछ झाड़ दिया है खाना वाना खा के, और अब लगाना है यहाँ पर पोछा। तो दोस्तों मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा, तब तक आप मेरे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई अच्छे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।